नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत, जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में सबसे ज़्यादा जरूरी होता रहता है सेंटेंस ग्रामर। आपको लाख आए लेकिन वर्ड मीनिंग ही नहीं आपके पास रहेगा, आपके दिमाग में वर्ड्स ही नहीं रहेंगे, तो सेंटेंस ना तो आप जो बोल पाएंगे और ना ही दोस्तों समझ पाएंगे। इसे सबसे ज़्यादा जरूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक और डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को बोलकर अपना जो है प्रभाव दूसरे पे, जी हाँ, महारत हासिल करना है तो वर्ड मीनिंग को अपने कब्जे में लेना होगा, उसमें आपको दखल होना चाहिए ना कि हाँ अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको पता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो वर्ड्स ही होते हैं, इसलिए लाभ करें, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको वर्ड्स पे ध्यान देने के लिए। जैसे देखिए पहला वर्ड है तो कल्पना करें, लाख करें नहीं कल्पना करें, विचारना, एनवीसेज, एनवीसेज। दूसरा वर्ड मीनिंग देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा इस तरह के वर्ड मीनिंग को देख के, समझ मतलब आपको अच्छा लगता है तभी तो आप आते हैं। उजड़ना, नष्ट करना, विध्वंस करना, डिवास्टेड, डिवास्टेड। जबकि अगला वर्ड मीनिंग है तो एडमेंट, एडमेंट मीन्स होता है दृढ़, हठीला, जिद्दी या सख्त को बोलते हैं एडमेंट। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है देखिए एडमेंट के बाद नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है एंटिटी, एंटिटी मीन्स अस्तित्व, हस्ती, भाई हस्ती है, हस्ती है, सत्ता या पदार्थ बोलते हैं एंटिटी। नेक्स्ट वर्ड है डिपोज, डिपोज मीन्स गद्दी से हटाना या गवाही देना। देखिए ये जो वर्ड्स आपको डिफरेंट मिलते हैं, गद्दी से हटाना, गवाही देना है, तो ये इसका मतलब है कि ये पर्यायवाची से पर्यायवाची शब्द है और दोनों के लिए डिपोज वर्ड आएगा। जानते हैं ना कि एक इंग्लिश वर्ड मीनिंग कई वर्ड कई हिंदी शब्दों के लिए आता है, वही है। एब्रोगेट, एब्रोगेट मीन्स निरस्त करना, रद्द करना, निराकरण करना। देखिए एक ही बात है, निरस्त कर दिए, रद्द कर दिए, निराकरण करिए, निराकरण करना, मतलब मिलता जुलता वर्ड है। नेक्स्ट है ट्रेवल, ट्रेवल मीन्स होता है परिश्रम, ट्रेवल नहीं होता है, ई एल नहीं है, ट्रेवल नहीं, ट्रेवल नहीं, ट्रेवल नहीं, ट्रेवल, परिश्रम, कठिन काम, प्रश्रम, वेदना, ट्रेवल, नॉट ट्रेवल, ट्रेवल, परिश्रम, कठिन काम, प्रश्रम, वेदना। अब इसको देखिए सुपरफ्लुअस, देखिए ई आर जो है आर बोलते हैं ना, सुपरफ्लुअस, आवश्यकता से अधिक को बोलते हैं, बहुत ज़्यादा को बोलते हैं सुपरफ्लुअस। नेक्स्ट है इसको प्रीवी, प्रीवी मीन्स होता है निजी, घनिष्ठ, अंतरंग, पोषिदा, प्रीवी। नेक्स्ट वर्ड है मॉड्यूलेट, मॉड्यूलेट मीन्स होता है नियमित, सुधार कर, नियमित करना या सुधार करना, मॉड्यूलेट। अगला है दोस्तों डिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट मीन्स होता है हटाना, मुड़ना, मुड़ना, झुकाना, हटाना, मुड़ना, मुड़ना, झुकाना, डिफ्लेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है एल्यूसीडेट, एल्यूसीडेट समझाकर कहना, समझाकर कह देना, स्पष्ट करना, एल्यूसीडेट क्या बोलेंगे, एल्यूसीडेट समझाकर कहना, स्पष्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है तो क्रीप, क्रीप से ही क्रीपर बना ना, रेंगना, क्रीपर मूवी देखा है आपने, हॉलीवुड मूवी क्रीपर ये देखा, देखेंगे बहुत अच्छा लगता है, थ्रिल है, रेंगना, सरकना, थरथराना, क्रीप। नेक्स्ट वर्ड है अजूम, अजूम मीन्स ग्रहण करना, छल करना, धारण करना, अज्यूम। नेक्स्ट है सुपर वियंट, सॉरी सब सब सर्वियंट, सुपर नहीं है, सब सर्वियंट, सब सर्वियंट, तावेदार, चाटुकार या जी हुजूरिया, जी सर, जी सर, जी सर बोलते रहते हैं, जी हुजूरी करते हैं। अफेवल, सभी तरह के लोगों के करना भी चाहिए अफेवल, नहीं तो गुस्सा होकर सबसे बात कीजिए तो देखिए कोई आप कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा, मिलनसार रहिएगा, अच्छे स्वभाव का विनम्र रहिएगा तो सबको बात करेगा, अफेवल, मिलनसार यानी अफेवल रहेगा तो सबको बात करें, सबको सबके लिए ठीक है, लेकिन सब सब सर्वियंट रहिएगा तो अच्छा नहीं है, तो अफेवल मीन्स मिलनसार, अच्छे स्वभाव का विनम्र को अफेवल बोलते हैं, है ना। फिर तो प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग पहले वाला पूर्वगामी या पूर्वगत को प्रीसीडिंग कहेंगे। नेक्स्ट प्रीसीडिंग के बाद पहले वाला पूर्वगामी पूर्वगत को के बाद है फुल हार्डी, दुस्साहसी, मूर्ख या बेवकूफ को फुल हार्डी कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है तो बैफल्ड, बैफल्ड मीन्स चकराया हुआ, भ्रमित या उलझा हुआ को क्या बोलते हैं, बैफल्ड। नेक्स्ट है डेलिकेट, डेलिकेट मीन्स होता है कोमल, नाजुक, उत्तम या भद्र, डेलिकेट। नेक्स्ट है तो कॉरपोरल, कॉरपोरल मीन्स भौतिक, ठीक है समझिए इसको।
कॉर्पोरल, कॉर्पोरल मीन्स भौतिक, दैहिक, कायिक या मूर्त, मूर्त। कॉर्पोरल, इंटरप्रेट, व्याख्या करना, अर्थ बताना, इंटरप्रेट होगा। नेक्स्ट है तो अनहोलसम, अनहोलसम हानिकर, अहितकर, नुकसानदेह, अनहोलसम। नेक्स्ट है फैटिग्यूड, फैटिग्यूड मीन्स होता है थका, बांदा, क्लांत, फैटिग्यूड। चलिए दोस्तों अगला वर्ड मीनिंग देखिए, इन स्लाइड है। इनटेम्परेट, इनटेम्परेट असंयमी, शराबी, पियक्कड़ को इनटेम्परेट कहते हैं। नेक्स्ट है सॉलिसिटस, सॉलिसिटस मीन्स होता है चिंतित, ध्यान रखने वाला या उत्सुक को बोलते हैं सॉलिसिटस। नेक्स्ट है इनर्वेट, इनर्वेट का मतलब अनुप्रमाणित, प्रेरित करना, अनुप्रमाणित करना, प्रेरित करना, इनर्वेट। नेक्स्ट है रिकेटी, कमजोर, सूखा रोगी या डावाडोल को बोलते हैं रिकेटी। रिकेट्स वर्ड इसी से बना है, रिकेटी। ट्रावर्स, ट्रावर्स मीन्स एक छोर से दूसरी छोर तक जाना को ट्रावर्स कहेंगे। नेक्स्ट है इनडेमिनिटी, इनडेमिनिटी मीन्स हर्जाना, मुआवजा या क्षतिपूर्ति को, क्षतिपूर्ति को क्या कहेंगे, इनडेमिनिटी। अगला वर्ड मीनिंग है इनडेमिनिटी के बाद मिंगल, मिंगल मीन्स मिश्रण करना, जमात में मिलाना को बोलते हैं मिंगल। नेक्स्ट है गार्बेज, गार्बेज मीन्स कूड़ा, कचरा, कूड़ा, निरर्थक वस्तु को बोलते हैं गार्बेज। फिर देखिए डी डम्यूनिटिव, डम्यूनिटिव कुछ लोग डिमी डिम्यूनिटिव पढ़ देंगे, लेकिन डम्यूनिटिव पढ़ना है दबा हुआ, अत्यंत छोटा या लघु को बोलते हैं डम्यूनिटिव। अपब्रेड, अपब्रेड भर्त्सना करना, डांटना या झिड़कना को बोलते हैं अपब्रेड। नेक्स्ट है सिली, बुद्धिहीन, मूर्ख, बेतुका या हास्य, हास्यजनक को बोलते हैं, हास्यास्पद नहीं, हास्यजनक को बोलते हैं सिली, है ना, सिली। नेक्स्ट है डिसनेंस, कर्कशता, स्वरों का बेमेल, विसंगति को डिसनेंस कहेंगे, डिसोनेंस नहीं डिसनेंस। अब देखिए असर्व, असर्व का मतलब होता है कड़वा, तीखे स्वभाव को बोलते हैं असर्व, क्या बोलते हैं असर्व। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है दोस्तों असर्व के बाद प्रोलिक्स, प्रोलिक्स मीन्स जटिल, लंबा तथा शब्दाडंबर, है ना, शब्द आडंबरपूर्ण, शब्दाडंबरपूर्ण हो गया। मैलिन, यहाँ जी साइलेंट है, मैलिन मीन्स होता है हानिकारक, भयंकर, घातक, भयंकर, घातक, मैलिन। नेक्स्ट वर्ड है एरोमेटिक, सुरभित, सुगंधित, मसालेदार, सुरभित, सुगंधित, मसालेदार, एरोमेटिक। नेक्स्ट है यहाँ तो ये है रिपेल, हटाना, धकियाना या, धकियाना या खदेड़ना। इनएडवर्टेंट, इनएडवर्टेंट मीन्स लापरवाह, लापरवाह, अनजान या आकस्मिक को इनएडवर्टेंट कहते हैं, जबकि डिवाउचरी को बोलते हैं भ्रष्टाचार, व्यभिचारिता, अति लपटता, डिवाउचरी। नेक्स्ट है कन्फिस्केट, कन्फिस्केट मीन्स जब्त करना, अधिहरण करना, अधिहरण करना, कन्फिस्केट। नेक्स्ट है रिवेलरी, रिवेलरी मीन्स होता है मस्ती, बहुत रिवेलरी है, मस्ती, उत्सव है, रंग रलियां है, गुलछर्रे, गुलछर्रे, रिवेलरी। नेक्स्ट है विवासियस, विवासियस मीन्स सचिव, जीवंत या जिंदा दल को विवासियस कहते हैं, विवासियस, सचिव, जीवंत, जिंदा दल, जबकि स्लोपी को बोलते हैं, स्लॉपी को कीचड़ युक्त, वर्षा से गीला को स्लॉपी बोलते हैं। नेक्स्ट है तो डीम, डीम मीन्स होता है विश्वास करना, ख्याल करना या विचारना, विश्वास करना, ख्याल करना या विचारना को डीम कहेंगे, क्या बोलेंगे, फिर देखिए डीम, ठीक है, इसको याद रखें डीम। अब चलिए दोस्तों डीम के बाद जो है एक्सट्रानियस, एक्सट्रानियस बाहरी, विदेशी या प्रासंगिक, एक्सट्रानियस। ऑब्स्क्योर, ऐसी बात जो समझ में ना आए, ऐसी बात जो समझ में ना आए, ऑब्स्क्योर। नेक्स्ट है अगला प्रोस्क्राइब, प्रोस्क्राइब
मना करना, देश से निकाल देना, वो बोलते हैं प्रोस्क्राइब। नेक्स्ट है एक्वायर। एक्वायर मीन्स होता है हासिल करना, पाना या छिपा हुआ को एक्वायर कहते हैं। कमेंसुरेट, कमेंसुरेट मीन्स सही अनुपात में, अनुरूप में, कमेंसुरेट। नेक्स्ट है कीन। कीन मीन्स पैना, तेज, तीव्र भी बोलते हैं, उत्सुक भी या कुशाग्र भी बोलते हैं, कीन है ना, कीन। नेक्स्ट है इनैनिशन। इनैनिशन कमजोरी, दिमागी कमजोरी, कमजोरी भी कह सकते हैं, शारीरिक कमजोरी भी तो होता है लेकिन यहाँ दिमागी कमजोरी से रिलेटेड है, इनैनिशन। इनैनिशन नेक्स्ट है तो मॉडिकम। मॉडिकम का अर्थ हो गया किंचित मात्र, लेस मात्र या थोड़ी मात्रा, थोड़ी मात्रा, किंचित मात्र, लेस मात्र या थोड़ी मात्रा, मॉडिकम। अभी सब वर्ड्स कहाँ से मिलेंगे आपको, खोजते रह जाएंगे दिया लेकर, है ना। इम्पेकेबल, इम्पेकेबल यानी त्रुटि रहित, पूर्ण, निर्दोष, निष्पाप, इम्पेकेबल। नेक्स्ट है तो अम्ब्रेज, नाराजगी, मिलेगा क्या आपको ऐसा शब्द नाराजगी के लिए, अप्रसन्नता, असंतोष, इम्ब्रेज, सॉरी अम्ब्रेज, अम्ब्रेज। यम, यमर मीन्स शिकायत करना, चीखना, यम। नेक्स्ट है स्ट्राइडेंसी। स्ट्राइडेंसी मीन्स कर्कश ध्वनि, तीक्ष्णता या कर्कशता, स्ट्राइडेंसी, ठीक है। तो चलिए अब देखिए दोस्तों, इनफ्रक्चुअस, इनफ्रक्चुअस तोड़ दिया मैंने, यानी कि तोड़ तोड़ के भी पढ़ सकते हैं, बेकार, फूलहीन, फलहीन या निष्फल। इन इनफ्रक्चुअस, कस्टमरी, रीति रिवाज के अनुसार या स्थाई को कस्टमरी बोलते हैं, कस्टम बोलते ना, कस्टम, ये कस्टम रीति रिवाज, वही कस्टमरी हो गया। एनोमेली, एनोमेली मीन्स असंगति, नियम विरोध या विसंगति को बोलते हैं एनोमली। नेक्स्ट है तो प्रॉस्पर। प्रॉस्पर मीन्स होता है पनपना, फलना फूलना या समृद्ध को बोलते हैं प्रॉस्पर। एबैंडन, एबैंडन छोड़ा हुआ, दुष्ट या अनैतिक को बोलते हैं, टूटा फूटा बिल्डिंग को बोलते हैं एबैंडन बिल्डिंग है ना, वो ये छोड़ा हुआ है। सीज, सीज का मतलब क्या, समाप्त करना, होना या रुकना या रोकना को बोलते हैं सीज्ड। सीज्ड कर लो उसकी संपत्ति को, सीज्ड कर लो यानी कि वही रोक दो, सीज मीन्स समाप्त कर दो या रुक, समाप्त, समाप्त करना, समाप्त होना, रुकना या रोकना। शूटिंग नहीं, सुथिंग, सांत्वना देना, सांत्वनादायक, चापलूसी करना, है ना, या बरना। नेक्स्ट है तो एग्जैक्शन, एग्जैक्शन, एग्जैक्शन जबरदस्ती वसूली, अवैध मांग को बोलते हैं एग्जैक्शन, एग्जैक्शन। नेक्स्ट है प्रीसेंटी, प्रेजेंटाइमेंट, प्रेजेंटाइमेंट, प्रेजेंटाइमेंट मीन्स पूर्वाभास, पूर्व बोध, जो पहले से जानते हो पूर्व बोध। कोय, कोय बॉय नहीं, बॉय नहीं, कॉय। शर्मीली, विनित या लज्जाशील को बोलते हैं कॉय। नेक्स्ट वर्ड है तो फ्लाउंडर। फ्लाउंडर मीन्स घबराहट में होना, तड़फड़ाना, ज़्यादा तड़फड़ाओ मत, बोलते हैं फ्लाउंडर। इरुडाइट, इरुडाइट मीन्स होता है विद्वान, ज्ञानी, पंडित, सुशिक्षित, विद्वान, ज्ञानी, पंडित, सुशिक्षित को बोलते हैं इरुडाइट। चलिए अब देखिए इरुडाइट के बाद है वैंटन। वॉन्टन, वॉन्टन मीन्स होता है मनमौजी, विवेकहीन, चरित्रहीन, चरित्रहीन, मनमौजी, विवेकहीन को बोलते हैं वॉन्टन। इसको क्या बोलते हैं फ्रिजिड को, बहुत ठंडा, संभोग से विरक्त, यानी कि ठंडा मतलब बिस्तर पर ठंडा, बहुत ठंडा मतलब वो वाला ठंडा है, बहुत ठंडा मतलब बहुत कोल्ड नहीं, जो संभोग में विरक्त रहते हैं, जो भाई शारीरिक रूप से ठंडा है, भाई ठंडा है, फ्रिजिड है, फ्रिजिड है ना। डिस, डिस, डिसवेल्ड, डिसवेल्ड, दोस्तों डिसवेल्ड मीन्स होता है बिखरा हुआ, मैला कुचैला या अस्त व्यस्त को डिसवेल्ड कहते हैं। नेक्स्ट है डॉडर। डॉडर मीन्स होता है कांपना, डगमगाना, बेसिर के पैर, बेसिर पैर के बातें, सॉरी। देखिए दोस्तों ये है प्रोक्योर। प्रोक्योर मीन्स होता है बेईमानी से प्राप्त करना,
दलाली से प्राप्त, दलाली करना को प्रोक्योर बोलेंगे, बेईमानी से प्राप्त करना को प्रोक्योर बोलेंगे, प्रोक्योर। नेक्स्ट सो कैडेवरस, कैडेवरस रस हो गया, कैडेवरस लाश जैसा मृतवत या मतलब लाश जैसा मृतवत मरा हुआ सामान है, मतलब जिंदा ही लोगों बोलते हैं, ऐसा नहीं कि मरा हुआ ही लोगों बोलेंगे। कैडेवरस, कैडेवरस इन अनडेट, बाढ़ आना पानी से ढक देना, इनन डेट बाढ़ आना पानी से ढक देना। जीनाइल, जीनियल स्नेहपूर्ण सद्भावपूर्ण या मेलनसार को जीनियल कहेंगे। नेक्स्ट है सो डी ग्रंटल मीन्स होता है चिड़चिड़ा बनाना, निराश करना, डी ग्रंटल। नेक्स्ट है ब्लीरी, धुंधली अस्पष्ट धुंधला दृष्टि मंद को ब्लीरी कहते हैं। भाई ब्लीरी कभी कभी आंखें ब्लीरी हो जाती है ना, आई ब्लीरी, ब्लीरी आईज, धुंधला आप नहीं बोलेंगे, आई जो है ब्लीरी हो जाती है, ऐसे बोलेंगे। एडिक्वेट, एडिक्वेट मीन्स होता है पर्याप्त संतोषजनक समुचित को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडिक्वेट, एडिक्वेट। और दोस्तों ये है इनडेलिबल, इनडेलिबल अस्थाई अमिट अनपनेय, अनपनेय इनडेलिबल अस्थाई अमिट अनपनेय। दोस्तों इस वीडियो में यही तक, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक नीचे लाइक का बटन है और उस मुझ पर कृपा करके लाइक दबा दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए, हमारे 2 मिलियन सब्सक्राइबर में बनिए और मेंबरशिप और ई बुक्स फ्री में पाइए। दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए, फिर से धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग, धन्यवाद।